स्टूडेंट, देखो अपने अध्ययन के क्रम में आज हम लोग चक्रवात के ऊपर चर्चा करेंगे, अर्थात साइक्लोन। जैसा कि पूर्व में जो अध्ययन का क्रम जारी रहा है, हम लोग वायु राशि अर्थात एयर मासेस, वाताग अर्थात फ्रंट पर काफी हमने चर्चा की, प्रश्नों के स्वरूप को देखा, उत्तर के स्वरूप को देखा और बताया गया कि वायु राशि से हम धीरे धीरे सिनॉप्टिक जलवायु विज्ञान की तरफ अग्रसर हो गए, अर्थात व्यवहारिक जलवायु विज्ञान की तरफ। तो जो अध्ययन क्रम था, पूर्व में एटमॉस्फेरिक स्ट्रक्चरल कंपोजिशन को देखा, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के स्वभाव को देखा, फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड विंड को देखा, जेट प्रवाह को देखा। तो इस संदर्भ में हमने क्या बताया था कि शुरू में जो टॉपिक हो गई, जैसे कि एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर में मैंने बताया था कि जलवायु विज्ञान का लैब है और इसके अंतर ही सारी क्रियाएं संपादित हो रही हैं और उसके मौलिक तत्व कौन है, टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो वहां हमने मौलिक सिद्धांतों को देखा और विगत 20 वर्षों में आए, कम से कम विगत 20 वर्षों में पूछे गए संघ लोक सेवा आयोग के प्रश्नों को देखा और दोनों प्रकार के प्रश्नों को देखा, ऑप्शनल ज्योग्राफी में कैसे प्रश्न आए और जनरल स्टडीज में भी कैसे प्रश्न आए मुख्य परीक्षा में। तो हमारी शुरू से चर्चा हो रही है कि प्रारंभिक परीक्षा जब आप क्वालिफाई कर लेते हो तो मुख्य परीक्षा के अंतर्गत यदि आपकी स्ट्रेटजी प्रॉपर है तो फिर दिक्कत कोई हो ही नहीं सकती। प्रश्नों का स्वरूप आप देख रहे हो, जब से ट्रेंड चेंज हुआ कि अब जो प्रश्न आ रहे हैं 150 शब्द में उत्तर लिखने, फर्स्ट और फिफ्थ क्वेश्चन नंबर की मैंने बात की थी दोनों प्रश्न पत्रों में, तो उनके स्वरूप को देखा। अगर ऐसे फिर हम प्लेन क्वेश्चंस पर आते हैं तो ए बी सी तीन सेक्शन हमें मिल रहे हैं, तो क्वेश्चन के उत्तर का जो दायरा है, अगर हम सारे प्रश्नों का उत्तर देना चाहते हैं तो जैसे जनरल स्टडी में बताया गया कि 20 क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी 25 आ जाते हैं, तो लगभग 4,000 से 4,500 शब्द हम लिखते हैं। तो मान लो एवरेज हम 5,000 तक जाते हैं, तो इन प्रश्नों का उत्तर आपको कितना में लिखना चाहिए, एक प्रश्न का उत्तर 250 से 300 शब्द में हमें लिखना है। सारी बातें होती आ रही हैं। आज चूंकि हम साइक्लोन पर बात कर रहे हैं, तो हर टॉपिक की तरह हमें सबसे पहले ध्यान में ये रखना है कि अगर साइक्लोन का हम कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करते हैं, हम क्या करते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करते हैं, तो किन किन टॉपिक को हमें कवर करना होगा साइक्लोन के अंतर्गत, अर्थात चक्रवात टॉपिक के अंतर्गत किन किन उप टॉपिक्स को हमें कवर करना होगा। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि साइक्लोन के अंतर्गत हमें पढ़ना क्या है, तो एक बार उसको आप देख ले हर टॉपिक की तरह। मुख्य परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण जो पहलू है यही कि टॉपिक में हमें पढ़ना क्या है, और फिर जितने क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं उन क्वेश्चंस का फॉर्मेट क्या है। अगर फॉर्मेट आपको याद है तो लगभग 30% आप काम कर चुके हो, बाकी संकल्पना और तथ्यों को समाहित करते हुए क्वेश्चन की मांग के अनुसार आपको उत्तर लिखना है। तो यहाँ हमें क्या पढ़ना है, एक तो परिचय लेना है, इंट्रोडक्शन लेना है चक्रवात का, फिर हम वर्गीकरण करेंगे। तो अगर विश्वव्यापी चक्रवातों को देखते हैं तो उन्हें दो वर्गों में विभाजित कर दिया गया, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात और उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, टेम्परेट साइक्लोन्स एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। अब अलग अलग यहाँ पार्ट दोनों क्या हो गया, अलग हो गया। अब शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों का अध्ययन हम अलग से करेंगे और उष्ण कटिबंधीय चक्रवात का अलग से अध्ययन करेंगे। तो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात में अब हमें क्या पढ़ना है, तो स्वरूप वही है। टेम्परेट साइक्लोन में भी सबसे पहले हम किसको इंट्रोड्यूस करेंगे,
इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन यहां तो सिंपल हम ले रहे हैं, लेकिन जैसे जो क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराए गए हैं उन क्वेश्चन के अनुसार, उन क्वेश्चंस की मांग के अनुसार हम इंट्रोडक्शन को क्या करेंगे, चेंज करेंगे। और ये कला धीरे धीरे अब आप में विकसित हो रही है, अगर ये कला अच्छी तरह से विकसित हो जाए तो क्या होंगे, मार्क्स आपके बढ़ेंगे। तो इंट्रोडक्शन, फिर इसके बाद सामान्य स्थिति हम लेंगे कि चक्रवात, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों में काफी विविधता देखी गई, उस विविधता को देखते हुए कई मौसम वैज्ञानिकों ने इनका भी वर्गीकरण कर दिया। तो तीन प्रकार के चक्रवातों का मौलिक वर्गीकरण हमें दिखाई देता है, माने इनका पहला क्या है, डायनेमिक है, गतिक है, जो कि मौलिक टेम्परेट मौलिक शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात है, फंडामेंटल टेम्परेट साइक्लोन है। दूसरा है तापीय थर्मल, जो कि ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु में क्रमशः महाद्वीप और महासागरों को उत्पन्न होते हैं, इसके विषय में कुछ विद्वानों ने चर्चा की। इसके बाद द्वितीयक सेकेंडरी है, तो सेकेंडरी चक्रवात हमेशा गतिक चक्रवातों के बाद आते हैं। फिर शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों का हमें क्या अध्ययन करना है, करैक्टरिस्टिक फीचर, उनकी विशेषताएं, क्या क्या विशेषताएं चर्चा करेंगे। फिर क्षेत्र एवं मार्ग, उसके रीजन्स क्या है, ट्रैक क्या है। फिर एक टिपिकल यानी एक सामान्य शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की संरचना क्या, उसके भाग क्या है, जो कि वाताग्र में भी हमने चर्चा कर दी थी। फिर इसके उत्पत्ति से संबंधित जो प्रस्तुत किए गए सिद्धांत है वो क्या है। तो कई सिद्धांत, कई संकल्पनाएं आई, लेकिन सबसे ज्यादा मान्य किसकी रही, ध्रुवी वाताग्र सिद्धांत, जिसको छह अवस्थाओं में दर्शाया गया। किसने दिया था, वही याद करो, वायु राशि और वाताग्र के जो प्रणेता लोग थे, वी वर्कनीज, जे वर्कनीज। फिर इसके महत्व और विवेचना, महत्व पर तो चर्चा करेंगे, विवेचना समसामयिक दृष्टि में भी होती है कि जलवायु परिवर्तनशीलता को देखते हुए या जलवायु में जो परिवर्तन हो रहा है, ये चक्रवात अपनी प्रवृत्तियों को कैसे परिवर्तित कर रहे हैं। क्लियर। फिर इसके बाद जब हम आएंगे इधर ट्रॉपिकल साइक्लोन की तरफ, तो वही ट्रेंड होगा, परिचय, विशेषताएं, आदर्श दशा और क्षेत्र, आइडियल कंडीशंस एंड रीजन, देन क्लासिफिकेशन, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन है, विविधताएं हैं। तो कुछ चक्रवात कमजोर हैं, जिनको गौण या विक साइक्लोन हम कहते हैं। इसके बाद प्रचंड या शक्तिशाली, प्रचंड या शक्तिशाली चक्रवात, फिर इनका वर्गीकरण होगा। विक अर्थात जो गौण चक्रवात है, माइनर उसमें क्या आएगा, विक्षोभ डिस्टर्बेंस जिसे कहते हैं, काफी कमजोर चक्रवात होते हैं। फिर अवदाब डिप्रेशन, अवदाब अर्थात डिप्रेशन, जिसे बंगाल की खाड़ी ज्यादा प्रभावित होती है। फिर हरिकेन, ये प्रचंड चक्रवातों की श्रेणी है, हरिकेन जो अभी पूरे मैक्सिको की खाड़ी, चीन सागर वगैरह इससे प्रभावित होते हैं, चीन में इसको टाइफून कहते हैं। तीन सबसे ज्यादा जो फ्यूरियस होता है वो क्या होता है, टॉर्नेडो। तो इन चक्रवातों की भी हम क्या करेंगे, उसी तरह से महत्व और विवेचना देते हुए जाएंगे, विशेषता, और अंत में दोनों चक्रवातों का हम क्या करेंगे। जैसा क्वेश्चन आपको दिया गया, कई बार पूछा गया कि उष्णकटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों का तुलनात्मक अध्ययन पर प्रस्तुत करें, कॉम्परेटिव स्टडी, उस पर भी चर्चा करेंगे। तो ये एक बड़ी टॉपिक है, हर वर्ष क्वेश्चन किसी न किसी रूप में आपके सामने आ जाते हैं। डिजास्टर, इन्वायरमेंटल डिजास्टर का भी एक पार्ट है, चाहे वो बंगाल की खाड़ी हो, अरब सागर हो, दक्षिणी चीन सागर हो, मैक्सिकन गल्फ हो, गल्फ ऑफ मैक्सिको, कैरेबियन सागर है, प्रतिवर्ष ये तबाही मचाने के लिए जाने जाते हैं। बेसिकली उष्णकटिबंधीय चक्रवात, तो ये काफी प्रासंगिक टॉपिक है ऑप्शनल के साथ साथ, और मुख्य परीक्षा में अगर आप देखो, ऑप्शनल में तो आता ही आता है, प्रथम प्रश्न पत्र जीएस में भी, और फिर जब उधर हम इन्वायरमेंटल इश्यूज की तरफ जाते हैं, थर्ड पेपर जनरल स्टडी में, तो वहां भी क्वेश्चन आपके साथ आते हैं। अब देखो यहाँ, जैसे मैंने बताया कि जो प्रश्न आपको दिया गया, अगर उसमें हम बात करते हैं कि शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की विवेचना कीजिए,
या शीतोष्ण कटिबंधी चक्रवातों को स्पष्ट करते हुए ध्रुवी वाताग्र सिद्धांत के माध्यम से इसको समझाने का प्रयास कीजिए। यहाँ अब आपको ध्यान क्या देना है, जैसे कि हर टॉपिक में आपसे चर्चा होती रही है, यहाँ आपके जो नॉलेज है, आपके पास जो तथ्यात्मक संग्रहण है, उसको क्या करना है, सारांश में परिवर्तित करना है, क्योंकि एक क्वेश्चन का आंसर अधिकतम 300 शब्द में हमें लिखना है। इससे ज्यादा अगर हम लिखने लगेंगे तो क्वेश्चंस के आंसर हम पूरा नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो पहले इसकी विवेचना, इसके बाद जब इस पर सारी आपसे चर्चा हो जाएगी तो जितने भी प्रश्न आपको दिए गए हैं, जितने भी प्रश्न आपके पास गए हैं, करीब करीब हमें लग रहा है कि 12-14 क्वेश्चंस आपके पास हैं, सबके प्रारूप को मैं बनवाऊंगा। ठीक, और फिर सभी क्वेश्चंस का आंसर, जो 12-13 क्वेश्चन आपके पास गए हैं चक्रवात से, सभी क्वेश्चंस के आंसर आप क्या करोगे, लिखोगे, आपकी राइटिंग स्किल को भी उसमें हम देखेंगे हर तरह से। अगर ये 12 क्वेश्चन आप कर लेते हो, 12-13 क्वेश्चन कर लेते हो, तो चक्रवात से यूपीएससी के किसी भी सेक्शन में, चाहे ऑप्शनल का हो, जीएस का हो, किसी भी सेक्शन में यदि क्वेश्चन आते हैं तो इससे बाहर का नहीं होगा। तो शुरू से मैं बोलते आ रहा हूँ आपसे, शुरू से मेरी बात हो रही है कि किसी भी टॉपिक को जब आप उठाते हो, चाहे जीएस का हो या ऑप्शनल का हो, तो उस टॉपिक के जिस भाग को भी आप उठा रहे हो, तो उसको इतनी एंगल से अध्ययन कर जाओ, लिख जाओ, और उसको क्या करो, अपनी अभिव्यक्ति दे दो कि कभी भी किसी भी समय वो क्वेश्चन कभी भी आए तो आप आंख बंद करके पूरा काम कर दे। आंख बंद करने का मतलब क्या है, विदाउट एनी टेंशन। तो देखो, सबसे पहले अब हम बात करेंगे, ये सारी फॉर्मेट को आपने देख लिया, इस फॉर्मेट को हम क्या करेंगे, अब लागू करेंगे। तो सबसे पहले मेरी बात आपसे होने जा रही है चक्रवात। ये चक्रवात क्या है, तो जैसे फॉर्मेट में आपने देखा, इंट्रोडक्शन, परिचय देना है। तो यूपीएससी एक ऐसा एग्जामिनेशन है जिसमें परिचय में भी आपकी मौलिकता को वो खोजता है। यूपीएससी ये सोचता है, ठीक है, आप पुस्तकें पढ़ रहे हो, अच्छी बात है, किसी का नोट्स ले रहे हो, किसी टीचर से भी पढ़ रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन आप उस क्वेश्चन को क्या दे रहे हो। जो भी प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, उस प्रश्न के उत्तर में कुछ अलग क्या दे रहे हो जो सार्थक हो। तो परिचय में सामान्यतः टर्म और परिभाषाएं यहां पर हम बात करेंगे। तो देखो, हम क्या करेंगे, इसको मौलिकता देंगे। शब्द क्या है आपको दिया गया, चक्रवात। जैसे हमने ले लिया चक्र है प्लस वात, वात मतलब वायु, चक्र मतलब चक्र। तो एक हवा का ऐसा तंत्र जिसका स्वरूप चक्रीय है। अब जहां तक प्रश्न इंग्लिश टर्मिनोलॉजी का है, साइक्लोन, साइकिल, तो यहां भी है उसी प्रकार से एक चक्रीय हवा का स्वरूप, चक्रीय हवा का स्वरूप यहां पर है, साइक्लिक एयर सिस्टम। साइक्लोन मींस क्या हुआ, साइक्लिक एयर सिस्टम। अब जहां तक देखो, थोड़ी सी बात हम, हालांकि आपके आंसर राइटिंग में इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन नॉलेज के लिए जरूरत है कि साइक्लोन शब्द कहाँ से आया, नॉलेज के लिए टर्म। तो जैसे कहा गया, हिंदी में तो बोल दिया गया चक्रवात, एक ऐसा तंत्र जिसमें हवाएं चक्रीय गति करती हूँ, लेकिन वास्तव में ये टर्म जैसा बताया गया कि ग्रीक भाषा से लिया गया, और इसका उपयोग जो साइक्लोन शब्द है
एक ब्रिटिश मेटेरियोलॉजिस्ट ने किया था, ने ब्रिटिश मौसम वैज्ञानिक नॉलेज के लिए, हालांकि इसको आप यहां लिखें या न लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। साइक्लोन जो टर्म है, देखिए साइक्लोन जो टर्म लिया गया ये ग्रीक भाषा का वर्ड है। अगर ग्रीक भाषा में लेते हैं तो ये इसकी स्क्रिप्ट है, लिपि जिसे कहते हैं, लेकिन अगर इंग्लिश का आ गया तो कुक्लोस, जिसका मतलब है दोनों का ही तात्पर्य हमारे पास क्या दिख रहा है, सर्कल, घेरा, ठीक। लेकिन जो इंग्लिश वर्ड साइक्लोन है इसका उपयोग किया था ब्रिटिश मौसम वैज्ञानिक हेनरी पिडिंगटन, कब किया था 1848 में, जब आपको प्रस्पेक्टिव ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी जब लेंगे मानव भूगोल के संदर्भ, उसमें इन लोगों की चर्चा होगी। फर्स्ट पेपर का जो फिफ्थ यूनिट है, सेकेंड पार्ट का पहली यूनिट, तो उसमें इनकी चर्चा होगी। ये भूगोल के विकास का एक क्रम है जहां पर ये जो ईयर है या ये दशक है 1840 और 50 का आउटस्टैंडिंग दशक है, तो वहां भी चर्चा आपसे होगी। अब देखो हम आते हैं सामान्य परिचय पर। तो जो सामान्य परिचय हमने देखा, ये साइक्लोन है तो कैसे दो? इसको हम अपने तरह से परिभाषित कर देते हैं। चक्रवात क्या है? चक्रवात चक्रीय वायु संचार प्रणाली होते हैं, चक्रवात चक्रीय वायु संचार प्रणाली होते हैं जिनके केंद्र में न्यून वायु दाब का केंद्र विकसित होता है और परिधि पर उच्च वायु दाब होता है। केंद्र और परिधि के मध्य वायु दाब प्रवणता के कारण हवाएं तीव्रता से निम्न वायु दाब केंद्र की ओर चलती हैं और फिर आपस में कोलिजन के पश्चात, टक्कर के पश्चात ये ऊपरी मुखी गमन करती हैं, और जब ऊपरी मुखी गमन करती हैं तो तीव्र रुधोष्म तापमान परिवर्तन के परिणाम स्वरूप संघनन की प्रक्रिया संपादित होती है, विशेष प्रकार के बादलों का निर्माण होता है और वर्षण की प्रक्रिया संपादित हो जाती है। तो सब कुछ समाहित कर दिया गया। अब इस इंट्रोडक्शन में हमने क्या किया, पूरे जलवायु के तत्वों को समाहित कर दिया। क्या क्या आया? चक्रीय वायु संचार प्रणाली है, अभिमुखी संचलन हो रहा है, केंद्र की तरफ पौने जा रही हैं, और जब केंद्र की तरफ पौने जा रही है तो आपस में कोलिजन होगा, जो कोलिजन होगा तो फिर ये ऊपर की तरफ मूव करेंगी, एक तरह से थर्मोडायनेमिक और यांत्रिक मैकेनिकल दोनों ही प्रक्रियाएं हो रही हैं, और ऊपर जाएंगी तो एडियाबेटिक टेम्परेचर चेंज होगा, हवा शीतल होगी तो संघनन होगा, और शीतलन के दौरान जितनी हवा शीतल होगी उतनी सापेक्षिक आर्द्रता बढ़ जाएगी और संघनन की प्रक्रिया होगी और बादलों का निर्माण होगा, और बादल निर्मित होंगे तो वर्षा की प्रक्रिया संपादित होगी। तो ये तीन चार लाइन में पूरा का पूरा चक्रवात जो तंत्र है, चक्रवाती तंत्र है, उसका विश्लेषण दे दिया गया। अब सामान्य रूप से जो परिभाषा हमें देनी है तो क्या देगी, वस्तुतः चक्रवात निम्न वायु दाब के केंद्र होते हैं जो अनेक सम दाब रेखाओं से घिरे होते हैं, सम दाब रेखाओं से घिरे होते हैं, और इन रेखाओं में जो वायु दाब होता है केंद्र से परिधि की ओर क्रमशः बढ़ता जाता है, जिससे वायु दाब प्रवणता विकसित होती है और हवा तीव्रता से परिधि से केंद्र की ओर संचरित होती है। अब ये चक्रवात जो हम देख रहे हैं, इनकी स्थिति, जैसे हमने मान लिया कि एक सामान्य चक्रवात हम लेने जा रहे हैं, तो ये एक सामान्य चक्रवात है, ये एक वायु दाब रेखा है, समदाब रेखा जो क्लोज है, इसके चारों तरफ कई समदाब रेखाएं हैं, मान लिया हमने इतनी समदाब रेखाओं को लिया, आइसोबार्स लाइन, और सॉरी
यहां पर क्या है, लो प्रेशर। अब यहां मान लिया जो वायु दाब समदाब रेखा है इसका 990 मिली बार, ये 994 मिली बार। चार के क्रम में जा रहे हैं, कोई जरूरी नहीं कि इस क्रम में बढ़े। तो यहां पर लो प्रेशर है और जितनी शब्दाब समदाब रेखा आप देख रहे हैं आइसोबार्स लाइन क्रमशः इसमें दबाव की जो परिस्थिति है वो बढ़ती चली जा रही है। तो यहां पर हाई प्रेशर, यहां भी हाई प्रेशर, यहां भी हाई प्रेशर, यहां भी हाई प्रेशर, यहां भी हाई प्रेशर। अब हाई प्रेशर हो गया तो यहां पर देखो ये अक्सर ध्यान रखना एक तथ्य हर टॉपिक में आपसे मैं उस तथ्य पर चर्चा करता हूं कि जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के लोग जो आपकी कॉपी चेक करते हैं वो क्या कहा जाए, अत्यधिक कंजूस होते हैं, माइजर जिसे बोलते हैं, उनके पॉकेट से मार्क्स निकलता नहीं। जैसे वो एक दो मार्क्स आपको एक्स्ट्रा दे देंगे तो उनकी जान चली जाएगी, ऐसे मैं व्यवहार में बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन ऐसा होता है, ब्लेम नहीं किया जा रहा है। लेकिन हमारी काबिलियत उस जगह है कि जब उनके पॉकेट से एक एक करके मार्क्स निकलवा लें। अब जैसे कोई स्टूडेंट इंट्रोडक्शन दे रहा है और ये डायग्राम दे रहा है, दो लाइन आपने लिख दिया इंट्रोडक्शन में, डायग्राम दे दिया, तो एक सिंपल सा डायग्राम होगा, एक उसको हम स्पेसिफाई करेंगे, उसका विशेषीकरण कर देंगे। तो कैसे विशेषीकरण करेंगे आपको पता चलेगा अभी, और उस विशेषीकरण से जब वो एग्जामिनर जो कॉपी आपकी चेक कर रहा है उसको थोड़ी सी कुछ इनोशन दिखेगा तो 0.5 मार्क्स यदि वो आपको अधिक देता है तो वही आपकी विजय है। अब यहां देखो मैं उसको आपके सामने प्रस्तुत करूंगा और आप अपने तरीके से करना। देखो जो बच्चे मेंस क्वालिफाई करते हैं उनके मार्क्स में बहुत कम का अंतर होता है, तो आपको आंसर राइटिंग में अपनी विशेषज्ञता के साथ साथ कुछ तकनीकी भी अपनानी पड़ेगी। अब जैसे देख लिया यहां लो प्रेशर या हाई प्रेशर, तो प्रेशर ग्रेडियंट है, तो प्रेशर ग्रेडियंट के कारण क्या होगी, हवाएं अंदर की तरफ आएंगी। जब हवा अंदर की तरफ आएगी तो ये स्थिति आएगी, हमने मान लिया इधर से मूव करेगी, इधर से मूव करेगी, इधर से मूव करेगी, क्लियर। तो ये एक सर्कुलेटरी सिस्टम बन गया। कैसी सर्कुलेटरी सिस्टम है, साइक्लिक सर्कुलेटरी सिस्टम, यही साइक्लोन है। अब यहां पर हम क्या करेंगे, अपनी विशेषज्ञता को लगाने की कोशिश करेंगे। यहां हमने मान लिया ये पॉइंट ए है, ध्यान रखना ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। अब इसमें से हम एक सीधी रेखा लेंगे, ए बी कहीं से भी ले सकते हो आप केंद्र से। अब इसको हम दिखाने की कोशिश करेंगे, ए ये बी हो गई और ये ए हो गया।
यहां पर लो प्रेशर है और यहां क्या है हाई प्रेशर। यहां हम अब एक ग्राफ ले रहे हैं, ये एयर प्रेशर को दर्शा रहा है, वायु दाब को, आप हिंदी या इंग्लिश में जो भी हो यहां अपने लिपि के अनुसार काम करेंगे, वायु दाब। और ये दूरी है, डिस्टेंस है। परिधि से केंद्र की तरफ। अब यहां देखो ये जो है बैरोमेट्रिक स्लोप है, ये जो लाइन जो दिखाई दे रही है ये डेल्टा पी अर्थात प्रेशर ग्रेडियंट है, वायु दाब प्रवणता, इसको हम क्या कहते हैं बैरोमेट्रिक स्लोप। बैरोमेट्रिक ढाल, और ढाल जितना तीव्र होगा उतना हवा का प्रवाह होगा। तो वायु दाब और पवनों की संकल्पना में आपसे चर्चा हो गई, जितनी ढाल प्रवणता होगी उतनी ही तीव्र पवने चलेंगी। ढाल प्रवणता पवन को गति देती है और उनकी दिशा का भी निर्धारण करती है। तो यहां पर हमने क्या दिखा दिया इंट्रोडक्शन में, ये ढाल प्रवणता है और जितनी तेज प्रवणता होगी उतने पवनों का क्या होगा बहाव होगा, ऐसे पवने चलेगी। अगर इस प्रकार से कुछ ग्राफ अपने दिमाग से आप क्रिएट करते हो तो एग्जामिनर कुछ ना कुछ मार्क्स तो आपको बोनस में देगा। वहां मौलिकता, आपके आंसर राइटिंग में मौलिकता को खोजा जाता है, रटने के बजाय आप मौलिक तथ्यों को, मौलिक तत्वों का संश्लेषण करो। ठीक, तो इस तरह से अब इसको हम विशेषता में ले लेंगे आगे। तो परिधि से लेकर, ये परिधि हो गई, बी क्या है परिधि है, और ये क्या है केंद्र है। यहां भी क्या हो गया परिधि, बी क्या है परिधि और केंद्र, इधर हवाएं जाएंगी और जितना ढाल तीव्र होगा उतनी तेज हवाएं जाएंगी, अर्थात वायु दाब अंतर जितना ज्यादा होगा उतनी तेज हवाएं जाएंगी। अगर मानचित्र पर ये समदाब रेखाएं पास पास खींची गई हैं तो वायु दाब प्रवणता क्या होगी तीव्र होगी, दूर दूर होगी तो मंद होगी। तो जहां तीव्र होगी वहां हवाओं की गति क्या होगी बहुत तेज होगी, और वो वायु दाब अगर प्रवणता ज्यादा है तो उसी हिसाब से चक्रवात की प्रचंडता क्या होगी निर्धारित होगी। तीन को शब्द में आप समाहित करने की कोशिश करें। अब देखो जैसे जहां तक मुझे अभी तक ज्ञात है कि जो ये बैच आपका चल रहा है नियर अबाउट 75 स्टूडेंट मेरे पास हैं। अगर मैं एक राइटिंग आपको देता हूं तो 75 स्टूडेंट्स वही लिखेंगे। तो जो मैं राइटिंग दे रहा हूं उसको आप थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करो। अब ये ग्राफ आपको दे दिया गया, ये डायग्राम दे दिया गया, आप इस मौलिकता को केंद्र में रखते हुए अपनी राइटिंग दें तो स्वाभाविक है कि 70-72 जो भी आप लोग हो, 75 शायद एक दो इनरोलमेंट आज भी हुए, ठीक, तो निश्चित है कि आप एक दूसरे से क्या है, अभी ऐसा जमाना है COVID-19 का ये चल रहा है कि कनेक्शन भी बहुत ज्यादा प्रॉपर्ली नहीं है कि आप एक दूसरे की कॉपी करो, और करनी भी नहीं चाहिए।
तो आपकी राइटिंग में थोड़ा वेरिएशन आएगा, लेकिन मौलिकता वही रहेगी। अभिव्यक्ति अलग अलग हो जाएगी, एक्सप्रेशन अलग अलग हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, मौलिकता के साथ अगर एक्सप्रेशन अधिक अलग अलग है तो आपके लिए फायदे का विषय है। अभी इस क्लास में इसको मैं ऐसे दे रहा हूं, एक दो बच्चे जो पुराने हैं उनको पता होगा, वो देखते ही समझ जाएंगे कि पिछले क्लास में तो सर ऐसा नहीं करवाए, क्योंकि डायनेमिक्स जरूरी है। अगर कल मैं इसको करवाऊंगा तो उसमें डायनेमिक्स क्या आ जाएगा, थोड़ा बहुत परिवर्तन आ जाएगा। मेरी आदत नहीं है कि 10 साल पहले जो पढ़ा रहा था रटे रटाए आपको वही मैं करवा दूं, नहीं, मौलिकता वही रहेगी लेकिन एक्सप्रेशन, कहने का मतलब अभिव्यक्ति में अंतर आ जाएगा। थोड़ा कुछ इनोवेशन करो, नयापन लाओ, तो ये आप करेंगे। क्लियर? अब इसको लिख दिया, फिर इसको लिख दिया, ये क्या है, बैरोमेट्रिक स्लोप है। तो बैरोमेट्रिक स्लोप जितना ज्यादा होगा उतनी ही क्या होगी हमारे पास, यहां पर परिधि से केंद्र की ओर जाने वाली हवाओं में तीव्रता आएगी, और फिर यहां पर जब टक्कर होगी तो ऊपर की तरफ जाएगी, और जब जाएगी तो जो इसका भंवर बनेगा या जो सिस्टम बनेगा उसमें रुद्धोष्म तापमान परिवर्तन की तीव्रता आ जाएगी। क्लियर? तो ये इंट्रोडक्शन में हमें देना है। अब ये जो चक्रवाती तंत्र है, कहने का मतलब कि जो सिस्टम है, यह उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में अलग अलग दिशा में गति करता है। उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत, और दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज अर्थात घड़ी की सुई के दिशा के समान गति करता है, जिसके बीच में क्या है, बीच में कहने का तात्पर्य जिसके पीछे क्या है, जिसके पीछे मूल कारक क्या है, तो वही है कोरियालिस इफेक्ट। अब कोरियालिस इफेक्ट हमने लिख दिया कि कोरियालिस बल के प्रभाव के कारण, कोरियालिस बल के प्रभाव के कारण चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत एंटी क्लॉकवाइज और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा के समान गति करते हैं। लेकिन इसको समझाना है, अब कैसे समझाना है, तो यहां भी विशेषज्ञता, हमें एग्जामिनर से एक एक पॉइंट्स पर उसको हमें प्रभावित करना है, और 0.5 मार्क्स उसको, उससे हमको क्या करना है, उसके जेब से निकालना है। तो अब इसको हमें समझाना है। अभी देखो इंट्रोडक्शन का ही मामला चल रहा है, और एक चीज ध्यान रखना, शुरू की क्लास में मैं कह रहा हूं, और आप हमारी सभ्यता में भी, हमारी संस्कृति में भी सुनते आए हो, अंत भला तो सब भला। तो और यह भी कहते हुए हम सुनते हैं अक्सर कि शुरुआत और अंत शानदार होना चाहिए, कुछ नया वो शब्द दिया जाता है, अभी दिमाग में नहीं आ रहा है, लेकिन शुरुआत भी शानदार हो और अंत भी शानदार हो, मीन्स इंट्रोडक्शन शानदार हो और कंक्लूजन शानदार। तो इंट्रोडक्शन पर हमें बहुत काम करना है। अब देखो कहा गया कि उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में इसकी विविधता है ड्यू टू द कोरियालिस इफेक्ट, कोरियालिस बल के कारण, इसको हम समझते हैं। मान लिया ये एक हमने लाइन लिया और ये जीरो मीन्स इक्वेटर, इक्वेटर बोले तो विषुवत रेखा, विषुवत रेखा, ये उत्तर है ये दक्षिण है। क्लियर? तो यहां हमने लिख लिया नॉर्थ हेमिस्फीयर एनएच डाल दिया उत्तरी गोलार्ध, और यहां क्या हुआ साउथ हेमिस्फीयर, ये दक्षिणी गोलार्ध, ये उत्तरी गोलार्ध। इसमें जो चक्रवात की दिशा है ऐसे मैंने बना दिया, और इसमें जो है ऐसे, ये क्लॉकवाइज हो गया एंटी क्लॉकवाइज। अब
इसके कारण ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ द कोरियालिस फोर्स, कोरियालिस बल के कारण। तो ऐसा कैसे होता है? अब देखो इसको हमें समझाना। कभी कभी ऐसा हो जाए कि क्वेश्चन की आंसर लिखने में आपके पास समय की कमी है, तो सिटेबल रेखा चित्र का उपयोग करो। यह भी नॉर्थ हेमिस्फीयर साउथ हेमिस्फीयर। अब मान लिया यहां पर एक ये बन गया लो प्रेशर और एक ये, ठीक, ये क्या है लो प्रेशर और यहां भी लो प्रेशर। इंट्रोडक्शन में इन सारे तथ्यों को आप शामिल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू डिमांड ऑफ क्वेश्चन, जैसा क्वेश्चन का डिमांड। मान लिया इधर से हवा गई, लो प्रेशर है तो सीधे हवा आनी चाहिए, इधर से सीधी हवा आनी चाहिए, इधर से आनी चाहिए, यहां भी इधर से आनी चाहिए, इधर से आनी चाहिए, इधर से आनी चाहिए, क्लियर। लेकिन यहां पर क्लॉकवाइज जाएगी, इधर जाएगी एंटी क्लॉकवाइज, आपको पता है तो अच्छी बात, लेकिन इस कॉन्सेप्ट इस कॉन्सेप्ट को लेकर काफी मैंने देखा है स्टूडेंट दिग्भ्रमित रहते हैं, कंफ्यूजन रहता है। अब देखो हमने कोरियालिस इफेक्ट में क्या पढ़ा था, कोरियालिस बल में क्या पढ़ा था कि दक्षिणी गोलार्ध में और उत्तरी गोलार्ध में स्थिति क्या है, अलग अलग है। उत्तरी गोलार्ध में हवा अपनी दिशा के दाहिनी ओर, तो ये उत्तरी गोलार्ध है, इसकी दिशा और इसका दाहिना कौन है, ये है, इसका दाहिना कौन है, ये है, इसका दाहिना कौन है, ये है, और इसका दाहिना ऐसे को जाओ इस तरह से तो ये है। तो दिशा क्या बनी आप देखो, तो ये डायग्राम भी अगर आप दे देते हो और 0.5 मार्क्स वो हमें दे देता है तो क्या हाल है। तो इसकी दिशा ऐसे बनी, ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, और ये हुआ एंटी क्लॉकवाइज, और ये क्या होगी लेफ्ट, तो लेफ्ट कहां होगा देखो, ये है तो इधर जाएगी, इसका लेफ्ट ये होगा, इसका लेफ्ट ये होगा, और इसका लेफ्ट ये होगा। यहां क्या हुआ क्लॉकवाइज, तो जो स्थिति अब हमारे पास आ गई इसको हम यहां प्रूफ कर सकते हैं, जो हम लिख रहे हैं उसको हम प्रूफ कर रहे हैं, जो लिख रहे हैं उसको हम प्रूफ कर रहे हैं। यूपीएससी का एक और सिद्धांत है, यदि आर्गुमेंट आप दे रहे हो तो एविडेंस दो, अगर आर्गुमेंट के साथ एविडेंस आपका लगता चला गया आपकी राइटिंग में तो कहा जाता है सोने में सुहागा। तो जो चक्रीय स्थिति है, कहने का मतलब जो ये सर्कुलर एयर सिस्टम है, चक्रीय वायु तंत्र है, चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में अपनी दिशा के उत्तरी गोलार्ध में क्या करते हैं ये एंटी क्लॉकवाइज, और दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज, क्यों, कोरियालिस बल के कारण। कोरियालिस बल के प्रभाव में आकर ये तंत्र जो है उत्तरी गोलार्ध में अपनी उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा के समान गति करते हैं, अर्थात एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, क्लियर, हमने प्रूफ कर दिया। कोरियालिस बल इनकी उत्पत्ति में एक आदर्श कारक है, अगर कोरियालिस बल का प्रभाव न हो तो ये सर्कुलर मूवमेंट नहीं कर पाएंगे या उत्पन्न नहीं होंगे। जैसा कि विषुवत रेखीय प्रदेश में डोल्ड्रम रीजन 5 से 5 अक्षांश वाला याद होगा आपको, वहां पर कोरियालिस बल के कमी के कारण या सॉरी अनुपस्थिति के कारण वहां चक्रवात उत्पन्न नहीं होते हैं। तो इंट्रोडक्शन में आप क्या लिखेंगे, चक्रवात एक चक्रीय वायु संचार प्रणाली होते हैं जिनके केंद्र में निम्न वायु दाब होता है, परिधि पर उच्च वायु दाब होता है, और वायु दाब अंतर के कारण हवाएं तीव्रता से परिधि से केंद्र की ओर संचलित होती है, जिसमें रुधोष्म तापमान परिवर्तन जैसी प्रक्रियाएं संपादित होती हैं
और संघनन बादल के साथ साथ वर्षण की प्रक्रिया होती है। सामान्यतः चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा के समान गति करते हैं। चक्रवातों का आकार गोलाकार हो सकता है, अर्धगोलाकार हो सकता है, अंडाकार हो सकता है, कभी कभी ये वी आकार के भी होते हैं। अब चूंकि चक्रवात निम्न वायु दाब के केंद्र होते हैं, तो अगर विश्व का अध्ययन किया जाए, विश्वव्यापी वायुमंडलीय परिसंचरण का अध्ययन किया जाए या विश्वव्यापी वायुमंडलीय परिसंचरण का सूक्ष्म विश्लेषण किया जाए, स्पष्ट होता है कि कुछ क्षेत्रों में ही इनकी उत्पत्ति होती है। सामान्यतः जहां निम्न वायु दाब के केंद्र विकसित होते हैं, जैसे कि उपध्रुवी निम्न वायु दाब पेटी तथा उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय वायु दाब क्षेत्र, उष्ण तथा उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। अब आपके दिमाग में एक तथ्य आएगा, तो निम्न वायु दाब क्षेत्र तो विषुवत रेखा पर भी है, तो वहां क्यों नहीं उत्पन्न होते हैं? वहां इसलिए नहीं उत्पन्न होते कि वहां कोरियालिस प्रभाव क्या होता है, शून्य होता है। अगर हमने देखा तो दो क्षेत्र आ गए, एक तो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र और दूसरा उष्ण तथा उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, और इसी आधार पर हम चक्रवातों को दो भागों में विभाजित कर देते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात तथा उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। तब हम बात करेंगे किसकी? शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। हम बात आज आपसे किस पर करेंगे? शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात पर। इनका भी परिचय, इनका प्रकार, फिर विशेषता। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, तो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात एक विशिष्ट चक्रीय वायु संचार प्रणाली होते हैं जो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में विकसित। ये चक्रवात सामान्यतः 35 से 65 अक्षांशों के मध्य 35 से 65 अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में सामान्यतः महाद्वीप और महासागरों के संगम पर विकसित होते हैं। 35 से 65 अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में सामान्यतः महाद्वीप और महासागरों के संगम पर विकसित होते। सामान्य रूप से ये महाद्वीपों के पश्चिमी भाग तथा महासागरों के पूर्वी भाग को प्रभावित करते हैं, और ये पश्चिमा पवन के प्रभाव में आकर पश्चिम से पूरब की ओर गति करते हैं। इन चक्रवातों का संबंध वाताग्र से है, वाताग्र इन चक्रवातों के आधार होते हैं। जैसा कि क्वेश्चन में मैंने दिया, शीतोष्ण कटिबंध इन्वर्टेड कामा वाला क्वेश्चन याद करो, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों का पालना वाताग्र होते हैं, इन्वर्टेड कामा बंद। इस कथन की सत्यता की जांच करें, तो वाताग्र शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के पालना होते हैं, या वाताग्र ही शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के क्या होते हैं? जनक होते हैं। पश्चिम से पूरब की ओर गति करते हैं। इनका आकार गोलाकार, अर्धगोलाकार, अर्धवृत्ताकार, अंडाकार और कभी कभी वी आकार का होता है। ये चक्रवात 35 से 65 अक्षांशों के मध्य यूरोपीय भाग को सर्वाधिक प्रभावित करते हैं, यद्यपि इन अक्षांशों पर अन्य जगह दोनों ही गोलार्धों में इनका विकास होता है। जहां तक उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध का प्रश्न है, तो उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वतमाला और दक्षिणी गोलार्ध में इंडीज पर्वतमाला इसको अवरोधित कर देती है। इनका सर्वाधिक व्यापक असर पश्चिमी यूरोप में दिखाई देता है। अब कई विद्वानों ने इन चक्रवातों को विभाजित किया, इनकी प्रक्रिया के आधार पर, इनके स्वभाव के आधार पर। तो परिचय आपको समझ में आ गया, परिचय में आप क्या लिखेंगे? शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात भी चक्रीय वायु संचार प्रणाली है और उनकी परिस्थिति वही है, और ये
35 से 65 अक्षांशों के मध्य विकसित होते हैं। इनकी गति क्या है? पहला पॉइंट ये हुआ। दूसरा, ये महाद्वीपों के कॉन्टिनेंट और ओशन के संगम पर विकसित होते हैं और दिशा पश्चिम से पूरब की ओर पछुआ पवनों से प्रभावित होकर चलते हैं। और इनका एक पॉइंट ये, तीसरा पॉइंट ये, 1, 2, 3 और चौथा पॉइंट हो गया इनका संबंध किससे है? वातावरण से। ठीक, किससे है? फ्रंट से है। ये लाइन आपकी बनती चली जाएगी। पांचवा, ये यूरोप को सर्वाधिक प्रभावित करते हैं। अब विद्वानों ने क्या किया, इनको कई वर्गों में विभाजित किया। अगर क्वेश्चन की डिमांड हो तो वर्गीकरण देना, अगर डिमांड ना हो तो वर्गीकरण नहीं देना। तो कई विद्वानों ने इनको कई वर्गों में विभाजित किया, लेकिन जो सर्वमान्य मान्यता है उसके अनुसार इसको तीन भागों में विभाजित किया जाता है। ध्यान रखना, पहला गतिक चक्रवात, डायनेमिक टेम्परेट साइक्लो, इन चक्रवातों को ही वास्तविक चक्रवात माना जाता है और इनकी उत्पत्ति का संबंध किससे है? वाताग्र से। बस एक एक लाइन आपको लिखना है, इसकी उत्पत्ति का संबंध किससे? फ्रंट से, वाताग्र से। इसके बाद दूसरे नंबर पर जो चक्रवात है, जो वर्गीकरण किया गया, तापी शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, यहां सिर्फ मैं चक्रवात लिख रहा हूं। थर्मल आर इंसुलेशन भी इसको बोल देते हैं, इंसुलेशन साइक्लोन, नाम से ही पता चल गया। दो विद्वान थे जिन्होंने इस पर काफी विवेचना दी, एक थे ब्रंड और दूसरे थे हम्फ्रीज। नाम याद हो तो कोई, सही है ना हो तो कोई फर्क नहीं। इन चक्रवातों के विषय में बताया गया कि जो तापीय शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात हैं, ग्रीष्म ऋतु में महाद्वीपीय भागों पर विकसित होते हैं। जैसे इसका आदर्श क्षेत्र है स्पेन का आइबेरियन प्लेटू, मैपिंग में ध्यान होगा करवाया था आइबेरियन प्लेटू, जिसको स्पेनिश में सोटा के नाम से जाना जाता है। इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया के विभाग में, एशिया के कई भागों में, अमेरिका के कई भागों में ये क्या होते हैं? विकसित होते हैं ग्रीष्म ऋतु में। क्लियर। और शीत ऋतु में ये महासागरी भागों पर विकसित होते हैं। तो पहला हम लेते हैं ये चक्रवात, सेंटेंस बना लेना ये चक्रवात। नोट्स में तो आपको मिल रहा है, नोट्स में तो एजीटी मिल जाएगा, लेकिन अपना बनाने की कोशिश करो। ग्रीष्म काल में यानी समर सीजन में ये किस पर विकसित होंगे? महाद्वीपों पर। क्लियर। और शीत काल में कहां विकसित होंगे? शीतकाल में विकसित होंगे महासागरों पर या सागरों पर। ठीक। अब इसका एक शानदार उदाहरण आपके पास है। कौन सा उदाहरण है? शीत ऋतु में हमारे महान मैदान को प्रभावित करने वाला पश्चिमी विक्षोभ। अब विक्षोभ का तो हम अध्ययन कहां कर रहे हैं? ट्रॉपिकल साइक्लोन में। लेकिन वास्तव में शीतकाल में भूमध्य सागर पर निम्न वायु दाब का केंद्र विकसित होता है और विशेष प्रकार का शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात विकसित होता है। यह चक्रवात
पछुआ पवनों के प्रभाव में, चूंकि सूर्य दक्षिणायन हो जाता है शीत ऋतु में, तो पछुआ पवनों का खिसकाव थोड़ा दक्षिण की ओर आ जाता है, तो पछुआ पवन प्लस जेट स्ट्रीम का भी खिसकाव दक्षिण में होता है, और जेट स्ट्रीम जैसा कि आपको बताया गया कि शीत ऋतु में उसकी ऊंचाई कम हो जाती है, तो इनके प्रभाव में आकर ये पश्चिमी मध्य एशिया से होते हुए, मध्य पूर्व से होते हुए पाकिस्तान तथा भारत के महान मैदान को क्या करता है, प्रभावित करता है, जिसको हम नाम क्या देते हैं, पश्चिमी विक्षोभ, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, जिसे हल्की फुल्की वर्षा प्राप्त हो जाती है, जो कि रबी के फसल के लिए क्या होती है, काफी लाभदायक मानी जाती है। क्लियर? तो ये आ जाता है जो शीतकालीन महासागर हुआ, इसका एक हम उदाहरण ले सकते हैं, हमारे यहाँ पश्चिमी विक्षोभ, यही है पश्चिमी विक्षोभ। इंडियन ज्योग्राफी में डिटेल लेंगे मानसून के दौरान, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अपने यहां का। ठीक, ये दूसरा है। तीसरा है आपका, तीसरे नंबर पर जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात है वो सेकेंडरी द्वितीयक चक्रवात, सेकेंडरी साइक्लोन। तो ये चक्रवात जो आप देख रहे हो, सेकेंडरी साइक्लोन, ये चक्रवात जो है गतिक चक्रवात, जो पहले गतिक आता है उसके बाद आते हैं, यानी जो ये गतिक चक्रवात आपने देखा उस गतिक चक्रवात के बाद आते हैं, जो सामान्य चक्रवात है उसके बाद आते हैं, और ये काफी कमजोर होते हैं और हल्की वर्षा करते हैं, कभी कभी क्या करते हैं, हल्की वर्षा करते हैं। तो आपने इंट्रोडक्शन कर लिया, इंट्रोडक्शन के बाद इनका वर्गीकरण कर लिया, एक एक दो दो लाइन लिखते चले, पैराग्राफ वाइज या पॉइंट वाइज जैसे आपकी सुविधा हो। इसके बाद हमने लिया था विशेषताएं, तो क्या विशेषताएं हैं, तो जो इंट्रोडक्शन में बहुत तथ्य हमने ले लिया, जो कुछ तथ्य ले लिया उसी को समाहित हम करेंगे विशेषताओं में, जैसे इनका उत्पत्ति क्षेत्र कहाँ है, इनकी गति कैसे प्राप्त होती है, ये किन किन क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं, ये सारा कुछ क्या आ जाएगी, इनकी विशेषता, इनकी उत्पत्ति का संबंध किससे है, वातावरण से। देखें ये चार पांच पॉइंट आपके पास हैं, इनको भी इलुबरेट कर दोगे तो 100 वर्ड हो जाएंगे, 100 वर्ड से ज्यादा हो जाएंगे, जैसा कि आपको पहले बताया गया था कि कैसे आप एक्सटेंड करेंगे। आपने इंट्रोडक्शन दे लिया, वर्गीकरण कर लिया, अब हमें क्या करना है, विशेषता। तो पहली विशेषता वही बताया कि इंट्रोडक्शन में भी आ गया, चाहे तो वहां से भी कर सकते हैं या ऐसे, आकार क्या है इनका, पहली विशेषता इनकी क्या होगी, आकार, आकार क्या है, बात हो गई। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात सामान्यतः गोलाकार, अर्ध गोलाकार, अंडाकार और कभी कभी वी आकार के होते हैं। क्लियर? इनमें वायु दाब प्रवणता 10 से 35 मिलीबार के मध्य होती है, इस कारण इनका वेग में क्या होती है, अंतर होता है। ये जो अंतर होगा 10 मिलीबार ग्रीष्म ऋतु का होगा और 35 मिलीबार शीत ऋतु का होगा, यही कारण है कि शीत काल में इनका वेग कितना है, 48 किलोमीटर प्रति घंटा औसत वेग, और ग्रीष्म काल में कितना है, 32 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन कभी कभी ये 65 किलोमीटर प्रति घंटा का भी वेग प्राप्त कर लेते हैं। तो ग्रीष्म ऋतु की अपेक्षा शीत ऋतु में ये क्या होते हैं, त्वरित होते हैं, तीव्र होते हैं, अपेक्षाकृत प्रचंड होते हैं। क्यों होते हैं, वाताग्र में देखा था, क्योंकि इस समय ध्रुवी वायु राशि आक्रामक होकर शीत वाताग्र की तीव्रता को बढ़ा देती है, आगे अभी देखेंगे। इसके बाद
इनका विस्तार सामान्यतः देखा गया तो 160 किलोमीटर, लेकिन कहीं कहीं ये 16 लाख वर्ग किलोमीटर तक क्या होते हैं, विस्तृत होते हैं। अगर औसत देखा गया तो औसत लिखा गया 1920 किलोमीटर तक, 1920 किलोमीटर। इनकी ऊंचाई सतह से कितने ऊंचे होते हैं, 10 किलोमीटर से 12 किलोमीटर तक, अर्थात 10,000 मीटर से 12,000 मीटर की ऊंचाई तक इनका प्रभाव देखा जाता है। तो ये 5-7 पॉइंट को आप एलुबरेट करके एक एक लाइन लिखते चलो, याद होता चला जाएगा, टेंशन लेने की कोई जरूरत ही नहीं है, रटना नहीं है, याद करना है आपको। अब इसके बाद जब ये विशेषता हो गई जैसा हमने फॉर्मेट बनाया था, फॉर्मेट के आधार पर हमको अब क्या देखना है, इनके क्षेत्र और मार्ग क्या हैं, कहाँ कहाँ है। तो निश्चित ही क्षेत्र क्या होगा, मार्ग क्या होगा, क्षेत्र क्या कहाँ पर होगा, ये 35 से 65 अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में, नॉर्थ एंड साउथ, ये ध्यान रखो, रटना कुछ भी नहीं, दिमाग में रखो, पॉइंट बनाते चले जाओगे। और कहाँ होगा, ये इनका मार्ग हो सकता है, और मार्ग हमेशा कैसे चलेगा, मार्ग पर ये कैसे चलेंगे, पश्चिम से पूरब की ओर, क्यों चलेंगे पश्चिम से पूरब की ओर, व्यापारिक पवनों के प्रभाव के कारण, ठीक। क्षेत्र अक्सर कहाँ होगा, पश्चिम महाद्वीपों और ओशन के संगम पर, महाद्वीप प्लस सागर महासागरों के संगम पर, या सागर भी लिख सकते हैं, महाद्वीप और महासागरों के संगम पर, एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ ओशन एंड कॉन्टिनेंट, संगम पर क्षेत्र होगा। तो आसानी से इसके ट्रैक को हम पहचान सकते हैं। अब इसको हम मैप के अनुसार अध्ययन कर सकते हैं। देखें, ये देखो आप, रीजन्स एंड ट्रैक ऑफ टेम्परेट साइक्लोन, इनको अगर सेंटेंस में देना है, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों का क्षेत्र 35 से 65 अक्षांशों के मध्य महाद्वीप और महासागरों के संगम पर, सामान्यतः महाद्वीपों के पश्चिमी भाग और महासागरों के पूर्वी भाग पर होता है। 35 से 65 महाद्वीपों के संगम पर, महाद्वीपों का पश्चिमी भाग, महासागरों का पूर्वी भाग, तो वो क्षेत्र अपने आप डिटरमाइन हो जाएगा। अब मैप हमने दे दिया, विश्व का मैप बनाए, उसको ये लोकेट कर दें। तो ये देखो 65 से 35, 35 से 65 ये ट्रैक है, जो ब्लू कलर की लाइन देख रहे हैं ये ट्रैक है, रास्ता है, लेकिन रास्ता पर कौन चलता है, पथिक चलता है, यात्री चल रहा है, पैसेंजर चल रहा है, लेकिन जहां अवरोध आएगा वहां निवास करेगा, अवरोध मजबूरी में आता है, या तो अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए वो कुछ समय तक क्या करे, वहां पर स्थिर हो जाए। मुसाफिर है, मुसाफिर का, मुसाफिर शब्द मानव के लिए कब लिया जाता है, जब वो चलता है, लेकिन जब वो रुक जाता है तो मुसाफिर नहीं होता है, तो यह भी मुसाफिर है, यह भी क्या है, मुसाफिर है, अपने राह में आगे बढ़ रहा है, जहां अवरोध आ गया वहां रुका, और रुकेगा तो कुछ प्रतिक्रिया तो करेगा, कुछ खाएगा पिएगा तोड़ेगा, तो वही स्थिति है। ये तो ट्रैक है, पछुआ पवन वाला क्षेत्र याद करो, 40, 50 और 60, ये ट्रैक है, लेकिन जहां जहां अवरोध आया वहां ये क्या हुआ, कुछ जन्म दिया। अवरोध कैसे आया, ध्रुवी वायु राशि, और यहां से जो उपोष्ण कटिबंधी वायु राशि गई पछुआ पवन के रूप में, यहां टक्कर हुई, वाताग्र बना, और जब वाताग्र बना तो पश्चिमी यूरोप में व्यापकता को जन्म दे देता है ये, ठीक। उसी तरह से ब्रिटिश कोलंबिया स्टेट, दक्षिणी मध्य चिली, दक्षिणी अमेरिका का पश्चिमी दक्षिणी भाग, ऑस्ट्रेलिया का तस्मानिया द्वीप, और संपूर्ण न्यूजीलैंड में इनके व्यापक प्रभाव देखे जाते हैं। तो क्षेत्र, लेकिन इन क्षेत्रों में जैसे आपने देखा 1, 2, 3, 4, 5, और एक तथ्य ध्यान रखना,
जब जलवायु प्रदेश आपको कराया जाएगा तो हर जलवायु लगभग 5 जगह है, क्लियर। लेकिन इन 5 क्षेत्र में एक एक लाइन आप लिखते चलेंगे। विशेषता, सबसे पहले नंबर वन विशेषता, जो पहला क्षेत्र है पश्चिमी यूरोप, पश्चिमी यूरोप में व्यापक प्रभावशाली होता है क्योंकि यहाँ कोई अवरोध नहीं है। ये बाल्टिक सागर, उत्तरी सागर या बेरेंट सी या फिर नॉर्वे सी के ऊपर जो विकसित होता है, आइसलैंड में भी विकसित होता है, तो पछुआ पवन के प्रभाव में आकर पश्चिम से पूरब की ओर चल रहा है, वाताग्र बना रहा है, वर्षा कर रहा है, वर्ष भर वर्षा होती है, अवरोध कोई नहीं है क्योंकि यूराल यहाँ पर है। तो व्यापक प्रभाव कहाँ देखा? पश्चिमी यूरोप में। इसीलिए यह जिस जलवायु को निर्धारित करता उसका नाम क्या रखा गया? पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु, वेस्टर्न यूरोपियन टाइप क्लाइमेट या ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट। नंबर दो ये क्षेत्र, तो यहां पर तीन भाग इसके दिखाई देते हैं। एक तो राकिज जो ब्रिटिश कोलंबिया स्टेट है, वाशिंगटन स्टेट यूएसए का, वाशिंगटन डीसी यहां है, ध्यान रखना वाशिंगटन स्टेट यहां पर है, यहां पर टकराया तो राकी ने इसको रोक दिया। जब रोक दिया तो यहां जमकर वर्षा कर देता है। सामान्यतः जो ब्रिटिश तुल्य क्लाइमेट है, ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट है या पश्चिमी यूरोप तुल्य कर जलवायु है, उसका औसत वर्षा 125 सेंटीमीटर के आसपास है, लेकिन रॉकीज पर और एंडीज के पश्चिमी भाग पर ये 300 सेंटीमीटर से भी ज्यादा वर्षा कर देता है, ध्यान रखना। तो एक तो यहां पर, और फिर यहां पर मिसिसिपी या ग्रेट मैदान क्षेत्र में भी क्या करता है? ग्रेट प्लेन एरिया में भी प्रभावित करता है, और यहाँ अलग अलग नामों से इनको पुकारा जाता है। जो कनाडा का अल्बर्टा प्रदेश है वहां पर अल्बर्टा लोग कहते हैं, कोलोराडो में यूएस के कोलोराडो के पास कोलोराडो लोग कहते हैं। कभी कभी ये दक्षिणी पूर्वी भाग को भी प्रभावित कर देता है। अब दक्षिणी गोलार्ध में नंबर तीन पर आया, तो दक्षिणी मध्य चिली को प्रभावित करता है, लेकिन दक्षिणी मध्य चिली में यहाँ व्यापक प्रभाव नहीं दिखाई देता है क्योंकि एंडीज यहाँ इसके अवरोध के रूप में है। इसी प्रकार से चौथा क्षेत्र क्या आ गया आपका? दक्षिणी पश्चिमी भाग, दक्षिणी अफ्रीका का दक्षिणी पश्चिमी भाग, केप टाउन वाला क्षेत्र, फिर ऑस्ट्रेलिया का तस्मानिया द्वीप और संपूर्ण न्यूजीलैंड को वर्ष भर प्रभावित करता रहता है। ये शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात का दोनों गोलार्ध में ट्रैक भी हो गया, रीजन भी हो गया। स्पेसिफिक जब आप सेंटेंस दे रहे हैं, परंतु ये जो अभी बताया डिस्टरबेंस, कौन सा डिस्टरबेंस आपको दिख रहा है ये उपमहाद्वीप पर? वेस्टर्न डिस्टरबेंस। ये स्पेसिफिक तापीय चक्रवात है, इंसुलेशन साइक्लोन है, जो शीत ऋतु में भूमध्य सागर पर विकसित हुआ, और विशेष प्रकार के पछुआ पवनों जो कि दक्षिण में शिफ्ट हुई है और जेट प्रवाह से प्रभावित होते हुए ये क्षेत्र जो संघर्ष का क्षेत्र बना हुआ है इस समय, भू राजनीति के लिए हमेशा चर्चा में रहता है, चाहे मैकइंडर पढ़ो या रिमलैंड पढ़ो, स्पाइकमैन पढ़ो, यहां से होते हुए यहां आता है और यहाँ हिमालय से अवरोधित होता है, सागरी प्रभाव भी है, और यहाँ पर फिर क्या करता है? पश्चिमी विक्षोभ का स्वरूप ले लेता है, जो कि हमारे यहाँ महान मैदान में क्या करता है? शीत ऋतु की वर्षा देता है, जो कि रबी की फसलों के लिए अति लाभदायक है। महत्व में आप एक पॉइंट दे सकते हैं, अपने राजस्थान में इसको क्या बोलते हैं? मावठ बोलते हैं। ये ट्रैक हो गया, तो इनका विश्लेषण कर लिए तो एक पैराग्राफ शानदार आपका बन जाएगा। मैप देखो, मैप को देखकर अपनी अभिव्यक्ति खुद, क्लियर। अब इसके बाद हम क्या लेना है फॉर्मेट के अनुसार, ध्यान रखे चक्रवात की संरचना।
अब देखो, एक जो टिपिकल साइक्लोन होता है, टेम्परेट साइक्लोन, कहने का मतलब सामान्य शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात होता है, उसमें चार भाग होते हैं। कैसे क्या भाग होता है इसको आप देख लें। पहले देखो, भाग बनाने से पहले, इनके स्ट्रक्चर दिखाने से पहले कुछ सामान्य बातें हम करें। जैसे कि हमने वाताग्र में किया था, तो सामान्यतः हम क्या देखते हैं, ये सारी घटनाएं हमारी कहाँ हो रही है, परिघटनाएं क्षोभ मंडल में। मान लो ये एक हमने सीमा ले लिया क्षोभ मंडल, ये क्षोभ मंडल है। क्षोभ मंडल बोले तो टोपोस्फियर, ये क्या है, क्षोभ मंडल। टोपोस्फीयर, क्लियर। इसमें नॉर्मली हम क्या देखते हैं कि जब नीचे से ऊपर जाते हैं तो तापमान में क्या होती है, वृद्धि होती है। वृद्धि दर आपको पता है 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर या 1000 मीटर। अब देखो, लेकिन जैसे हम ऊपर जाते हैं तो कुछ एक ऐसी सीमा कहीं ना कहीं होगी जो क्या करती है, शीतलता और उष्णता को विभाजित करेगी, लेकिन हर क्षेत्र में अलग अलग होती है। अब मान लिया कि यहाँ पर जो वाई राशि है थोड़ा गर्म है और ऊपर वाली क्या है, शीतल। ये एक बाइफर्केशन हो गया। लेकिन जैसे यहाँ पर सूर्या तब बढ़ेगा और पार्थिव विकिरण बढ़ेगा तो ये गर्म पवन क्या होगी, ऊपर उठेगी। जब ऊपर उठने लगेगी तो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में ये जो सीधी लाइन आप देख रहे हैं, जिसको नाम हमने क्या दिया था, स्टेशनरी फ्रंट, ये धीरे 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 क्या होगा, लहर नुमा में परिवर्तित होगा। तो इस तरह से यहाँ से चक्रवात की क्या हो जाएगी, उत्पत्ति हो जाएगी। तो एक सामान्य जो चक्रवात बनता है उसकी संरचना कुछ ऐसे दिखती है। देखो, ये दिखेगी यहां पर, ये हवा गर्म हुई और ऊपर उठ रही है, और यहां पर जो है ये शीतल हवाएं। तो ये एक आदर्श शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात है जिसके चार भाग हैं। ये जो है इसको हम बोलते हैं शीत खंड, जहां एक प्रकार की वायु राशि है तो मौसम क्या होगा, सामान्य होगा, अर्थात कोल्ड सेक्टर। इंग्लिश में नाम क्या हम देंगे, कोल्ड सेक्टर, क्लियर। और ये जो है जहां पर इन हवाओं का प्रभाव हो रहा है, किसका, कोल्ड विंड का, कोल्ड एयर मास, तो यहाँ है कोल्ड फ्रंट। ये क्या बन जाएगा, कोल्ड फ्रंट मीन्स शीत वाताग्र, क्लियर। अब यहां पर जो ये है, यहां पर उष्ण पवन है, ये क्या है, उष्ण पवन है, तो ये क्या होगा, उष्ण खंड होगा। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, वार्म सेक्टर। और ये क्या हो जाएगा, वार्म फ्रंट होगा, वार्म फ्रंट बनेगा, उष्ण वातावरण। तो ये चार भाग होते हैं। अब इनके विषय में भी आप चाहो तो 25 25 30 30 शब्द आराम से लिख लेंगे और इस 100 शब्द का हो जाएगा। कैसे लिखेंगे अभी हम बात करें। जैसे ये हो गया शीतखंड, ये शीत वाताग, ये उष्णखंड उष्णवाताग। तो एक सामान्य शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात के चार भाग होते हैं, शीतखंड शीत वाताग, उष्णखंड उष्णवाताग। तो शीतखंड विस्तृत होता है,
इसमें हवाएं शीतल होती हैं, एक प्रकार की होती हैं। इनमें सामान्यता क्या होती है? ये सामान्यतया इनके भौतिक गुण एक समान होते हैं, क्योंकि एक प्रकार की वायु राशि है, तो यहाँ मौसम थोड़ा क्या रहता है, शांत रहता है। उसी प्रकार से दूसरा उष्ण वातागर, उष्ण वातागर में उष्ण वायु राशि रहती है, लेकिन इनमें क्या होती है, डायनेमिक्स ज्यादा देखी जाती है, गर्म होकर ऊपर उठती है, जिसके कारण वहां पर लो प्रेशर विकसित हो जाता है और उसको भरने के लिए हवाएं तीव्रता से चलती है। ठीक, शीत वाताग्र, उष्ण वाताग्र, शीत वाताग्र का निर्माण वहां होता है जिस छोर पर वह शीत वायु राशि आक्रामक होती है और उष्ण वायु राशि को अपने ऊपर अध्यारोपित करने का प्रयास करती है। यहाँ जो वाताग्र बनता है तीव्र ढाल वाला बनता है और यहाँ तीव्र दुधोष्ण तापमान परिवर्तन के कारण सामान्यतः कपासी वर्षा बादल बनते हैं और यहाँ पर जो शीत वातागरी क्षेत्र है यहाँ पर बिजली की चमक और गरज के साथ मूसलाधार वर्षा होती है। जहां तक प्रश्न उष्ण वाताग्र का है तो यहाँ इसका ढाल थोड़ा कम होता है, यहाँ पर इस तरी प्रकार के बादल बनते हैं और यहाँ दीर्घकालिक फुहारी वर्षा होती है। तो तीन चार चार लाइन लिखते चले गए तो पूरा पैराग्राफ आपका हो गया। ठीक, अब इसकी ये तो आपको बनाना है, वहां एग्जामिनेशन हॉल में तुरंत खींचा और बना दिया और दो दो चार चार लाइन लिखते चले गए। क्लियर, इसकी एक संरचना और भी आपको मैं दिखा रहा हूं, ऐसे भी देखो उसी संरचना को थोड़ा मॉडिफाई हमने किया इस प्रकार से। अब यहां पर लो प्रेशर है, ये क्या हो गया, ये जो वायु राशि ये शीत है, ये उष्ण है, शीत वाताग्र बना, यहाँ उष्ण वाताग्र, उष्ण खंड और शीत खंड। अब ये वायुदाब रेखाएं दिखाई देगी, समदाब रेखाएं 888, 892, 896, 1000, फिर इसके बाद 1004। तो ये परिधि पर उच्च वायुदाब है, इधर से हवाएं आ रही हैं। तो ये एक शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात का क्या है, संरचना है या उसकी भाग है, इनको भी अच्छी तरह से आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं और लिख लेंगे। अब इसके बाद जो चक्रवात हपानी है, कहने का मतलब जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात है, इसके विकास के संदर्भ में कई सिद्धांत दिए गए, लेकिन जो सिद्धांत ज्यादा पॉपुलर है उसका नाम है पोलर फ्रंट थियरी, ध्रुवी वाताग्र सिद्धांत, जिसका प्रतिपादन वी वर्कनीज तथा जे वर्कनीज ने प्रथम विश्व युद्ध के समय ही किया था, जब उन लोगों ने वायु राशियों की चर्चा की थी। इस सिद्धांत को बर्जन सिद्धांत भी कहा जाता है। बर्जन सिद्धांत इसलिए कहा जाता है क्योंकि बर्जन स्कूल ऑफ थॉट से ये लोग संबंधित है। ठीक, और दूसरा इसको लहर सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धांत में बताया गया कि जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात होते हैं इनके विकास का संबंध वाताग्र जनन से है और अंत का संबंध जो है वाताग्र क्षय से है। मीन्स शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात वाताग्र जनन यानी फ्रंटोजेनेसिस के साथ आरंभ होते हैं और फ्रंटोलाइसिस यानी वाताग्र क्षय के साथ ही समाप्त हो जाते हैं। और वाताग्र जनन और वाताग्र क्षयन में मीन्स फ्रंटोजेनेसिस में और फ्रंटोलाइसिस के मध्य छह अवस्थाएं विकसित होती हैं और इन अवस्थाओं के आधार पर ही ये चक्रवात क्या होते हैं, अपनी जीवन लीला को संपादित करते हैं। तो पोलर फ्रंट थियरी क्या है, पोलर फ्रंट थियरी अर्थात ध्रुवी वाताग्र सिद्धांत का प्रतिपादन प्रथम विश्व युद्ध के समय ही वी वर्कनीज तथा जे वर्कनी ने कहा किया और बताया कि ध्रुवी वाताग्र सिद्धांत का संबंध चक्रवातों की उत्पत्ति से और चक्रवात के लिए ध्रुवी वाताग्र जो है आधार प्रदान करते हैं, अर्थात यही वाताग्र चक्रवातों के लिए पालना है, वही पालते और पोषते हैं। कहने का मतलब ध्रुवी वाताग्र जो है या वाताग्र जो निर्मित हो रहा है वही चक्रवातों के लिए आधार प्रदान करता है, उनको नियंत्रित करता है और फ्रंटोजेनेसिस से लेकर फ्रंटोलाइसिस तक अर्थात वाताग्र जनन से लेकर वाताग्र के क्षय तक
जो इनकी जीवन लीला चलता है या जीवन चक्र चलता है वो छह अवस्थाओं से होकर गुजरता है, जो इस प्रकार है। प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था, तृतीय अवस्था, चतुर्थ अवस्था, पंचम अवस्था, षष्ठम अवस्था, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज, फिफ्थ एंड सिक्स्थ स्टेज। और अलग अलग अवस्थाओं की अलग अलग क्या है, पहचान है। तो देखें इस डायग्राम से, पोलर फ्रंट थियरी प्रतिपादक कौन है, वी वर्कनिच, जे वर्कनिच। जो इंट्रोडक्शन इसमें बोला गया वो आपको लिखना है, नोट्स में आपको प्रोवाइड करा दिया गया पहले से ही, ठीक। अब देखो प्रथम अवस्था में क्या हो रहा है, पहले एक एक अवस्था को देखें। स्टेशनरी फ्रंट स्टेज, स्थायी वातागरी दशा, जो अभी स्ट्रक्चर में बताया गया, इस समय हवाएं शांत हैं, एक ये ट्रांजिशन क्षेत्र है, लेकिन इस ट्रांजिशन क्षेत्र के दोनों तरफ हवाएं बिना एक दूसरे की सीमा का अतिक्रमण करते हुए विपरीत दिशा में प्रवाहित हो रही हैं। तो ऐसी दशा को नाम दिया गया स्थायी वातागरीय दशा। इस दिशा में सामान्यतः इस दशा में कुछ मौसम परिवर्तन की परिस्थितियां नहीं देखी जाती, लेकिन कभी कभी हल्के फुल्के बादल बनते हैं। लेकिन जैसे ही सूर्य तप बढ़ा, स्थानीय परिस्थितियां बदली, थर्मोडायनेमिक्स क्रिया शुरू हुई और पार्थिव विकिरण बढ़ा, तो ये हवा गर्म होकर क्या होगी, ऊपरी मुख गमन करेगी, अपवर्ड मूवमेंट। तो ये जो संक्रमणीय क्षेत्र है अब ढाल हुआ, संक्रमणीय पथ के रूप में विकसित हुआ, यहाँ लो प्रेशर विकसित हो गया और इसको भरने के लिए कोल्ड सेक्टर से हवा आएगी और चक्रवात की प्रक्रिया आरंभ होगी। अब यहाँ पर वार्म सेक्टर, कोल्ड सेक्टर भी विकसित हो गया, साथ में कोल्ड फ्रंट और वार्म फ्रंट बन गया। ये चक्रवात की पूर्व की दशा हो गई। हवाएं क्या होगी, अपनी प्रतिक्रिया देना शुरू कर देगी वायु राशियां, क्योंकि अब यहां पर कुछ ना कुछ परिवर्तन चल रहा है। तो इस अवस्था को नाम किया दिया गया लहर नुमा दशा, वेव फ्रंट लाइक स्टेज, वेवी फ्रंट लाइक स्टेज। अब तीसरी अवस्था में जब हम आते हैं, तो तीसरी अवस्था में क्या हुआ, चक्रवात पूर्णतः विकसित हो चुका है। शीत वाताग्र, उष्ण वाताग्र, कोल्ड वाव, कोल्ड एंड वार्म फ्रंट फुल्ली डेवलप हो चुके हैं और यहां पर हवाओं का वेग तीव्र हो चुका है। और इस स्टेज में एडियाबेटिक टेम्परेचर चेंज जो है, रुधोष तापमान परिवर्तन तीव्रता से हो रहा है, संघनन की प्रक्रिया संपादित हो रही है दोनों ही सेक्टर में के आसपास। यहाँ पर जो शीत वाताग्र है, यहाँ पर कपासी वर्षा बादल बन रहे हैं, इधर स्तरीय बादल बन रहे हैं, इधर मूसलाधार वर्षा हो रही है, इधर फुहारी वर्षा हो रही है और चक्रवात गति करते हुए जा रहा है। यदि शीत ऋतु है तो वही 48 किलोमीटर प्रति घंटा से अपने ट्रैक पर आगे भाग रहा है, अगर ग्रीष्म ऋतु है तो लगभग 32 किलोमीटर प्रति घंटा से अपने ट्रैक पर आगे चलता चला जा रहा है। अब इसके बाद जब चौथी अवस्था आती है, ये प्रौढ़ावस्था, प्रौढ़ावस्था का जो अंत होता है वो क्या होता है, प्रचंड अवस्था में बदल गया। अब ये चक्रवात प्रचंडता की तरफ बढ़ रहा है, हवाओं की स्पीड बहुत ज्यादा हो चुकी है, वर्षा बड़ी तेजी से हो रही है और यहाँ पर जो कोल्ड सेक्टर है वार्म सेक्टर को समाप्त करने पर तुला हुआ है। कहने का तात्पर्य हुआ, इसके दबाव के कारण, यानी कोल्ड सेक्टर के दबाव के कारण, शीत प्रखंड के दबाव के कारण जो उष्ण प्रखंड या खंड है वो संकुचित हो रहा है, ठीक। अब इस अवस्था के बाद, प्रचंडता की अवस्था के बाद धीरे धीरे अब चक्रवात की क्या होगी, तीव्रता में कमी आने लगेगी, वो अंत की पूर्व अवस्था की ओर बढ़ेगा। पांचवी अवस्था जब ऑकुलेशन फ्रंट बन जाता है, अविधारण की अवस्था जिसमें ऑकुलेशन हो जाएगा, ये देखो ऊपर का भाग क्या हो, छिद्रित हो गया, विवर्तित हो गया, अब यहाँ पर जो ठंडी हवाएं इसको समाप्त कर रही है और ये और संकुचित हो गया वर्षा में और इसकी स्पीड दोनों में कमी आ जाएगी और अंत में आकर क्या हो गया, फ्रंटोलाइसिस हो गया। क्या हो गया, फ्रंटोलाइसिस, अर्थात वाताग्र का क्षय हुआ और धीरे धीरे स्टेशनरी वाताग्र में ये क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। तो इस प्रकार से एक जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात है वो छह अवस्थाओं से होकर गुजरेगा, स्थायी वाताग्री दशा, लहर नुमा दशा, प्रौढ़ावस्था,
चंड की अवस्था, अभिधारण की अवस्था, अंत अवस्था, अर्थात स्टेशनरी फ्रंट स्टेज, वेवी फ्रंट स्टेज, मेच्योर फ्रंट स्टेज, स्ट्रांग स्टेज, ऑक्लेशन स्टेज एंड फ्रंटोलाइसिस स्टेज। इस प्रकार से ये क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। तो हर पर दो 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 लाइन अगर आप लिखते चले गए तो कितनी लाइन होगी, 12 लाइन आ गई। क्लियर? तो इस तरह से चक्रवात ये क्या हुआ, फिनिश हुआ। अब इसका हमें क्या करना है, उपयोग क्या है, महत्व तो क्या है। तो देखो महत्व तो क्या है कि सबसे पहले ये वाताग्रों के द्वारा निर्धारित होते हैं और जिस भी क्षेत्र में है 35 से 65 अक्षांशों के मध्य क्षेत्र विशेष की जलवायु को, एक विशिष्ट जलवायु को जन्म देते हैं जिसका नाम क्या है, पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु। ये वर्ष वर वर्षा प्रदान करते हैं और इसकी वर्षा जो होती है सामान्य वर्षा होती है जो कि जनजीवन के विकास के लिए अति महत्वपूर्ण है। ये आक्रामक नहीं होते, ये सामान्य होते हैं और इन चक्रवातों के कारण ही महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में, सामान्यतः पश्चिमी यूरोप में, जो वहाँ की राजनीतिक आर्थिक सांस्कृतिक व्यवस्था में साम्यता देखी जाती है उसके लिए ये उत्तरदायी है। दूसरी ओर यही विशिष्ट चक्रवात शीत ऋतु में महान मैदान पर हल्की फुल्की वर्षा करते हैं, किसके कारण, पश्चिमी विक्षोभ के कारण। ये इनका महत्व है, इनको भी आप क्या करेंगे, निर्धारित करेंगे। अब आपको करना क्या है कि एक तो चक्रवात का इंट्रोडक्शन, फिर वहां हमने वर्गीकरण किया, वर्गीकरण में शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात आया, तो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात के इंट्रोडक्शन को यहाँ रखो, किसके किसके बीच में विकसित होते हैं, कहाँ विकसित होते हैं, इनकी दिशा क्या है, गति क्या है, इनका वर्गीकरण तीन भागों में कर दिया गया, गत्यात्मक, गतिजनक, तापी और द्वितीयक, फिर विशेषता दे दी गई, फिर इनके भाग दे दिए गए, फिर इनका क्या किया गया, पोलर फ्रंट थियरी दे दी गई, फिर इसका उपयोग घर पर बैठकर लेक्चर सुनने के बाद खूब आराम से आंख बंद करके इसको लिख जाओ और जितने भी क्वेश्चन इससे संबंधित आपको प्रोवाइड किए गए एक एक प्रश्न का उत्तर लिखकर हमारे सामने प्रस्तुत करें, फिर चेक किया जाएगा, कमी होगी, कमियों को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। अगर इस तरह से प्रयास करोगे तो जो भी सेक्शन आपका है, कहने का मतलब ऑप्शन वाला भी और जीएस का, ये क्या होगा, पूर्ण रूप से परिपूर्ण हो जाएगा, पूर्ण रूप से मतलब कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्लास में जो कल हम चर्चा करेंगे किसकी करेंगे, उष्णकटिबंधीय चक्रवात। तो खूब आराम से राइटिंग डेली होनी चाहिए, जितने भी क्वेश्चन शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात के आपके पास आ गए, 12 में से 6 क्वेश्चन शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात के ऊपर दिए गए हैं, तो जिस प्रकार से क्वेश्चन को घुमाया गया है उसी उसके डिमांड के अनुसार इंट्रोडक्शन होना चाहिए, उसकी क्रियाविधि होनी चाहिए और उसका कंक्लूजन होना चाहिए। ये अब आपका कार्य है। क्लियर? अगर कुछ कमी रह गई, आप नहीं लिख पा रहे हो, पहले क्वेश्चन का आंसर लिखकर दिखाओ, फिर बात करेंगे, निराश होने की कोई जरूरत नहीं। आपके पास नोट्स भी है, उसकी भी सहायता ले सकते हैं, लेकिन अपने अनुसार करने की कोशिश करो। क्लियर?